सोलन की सब्जी मंडी का दौरा कर रहे हिमाचल प्रदेश राजकीय कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज ई नैम में सोलन की सब्जी मंडी सबसे ज्यादा सराहनीय काम कर रही है और यही वजह है कि वे देश की नंबर वन मंडियों में से एक में शुमार हो रही है। ई नैम के माध्यम से करीब 11 करोड़ का व्यवसाय इस मंडी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे किसानों को बेहतर एवं पारदर्शिता रखने वाली मंडी देना चाहते हैं, जिसके लिए वे प्रयासरत हैं। भंडारी ने कहा कि उन्हें पता चला है कि सोलन की सब्जी मंडी में भार के हिसाब से नहीं बल्कि क्रेट के हिसाब से सामान बेचा जाता है, जिस पर वे जल्द ही सुनिश्चित करेंगे कि टमाटर क्रेट के हिसाब से नहीं बल्कि वेट के हिसाब से बेचा जाए, ताकि किसानों को उनकी फसल की अच्छी लागत मिल सके। हाँ, ये भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी भी क्रेट के हिसाब से बिकता है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि वजन के हिसाब से हमारा टमाटर बिके, ऐसा मैं आने वाले समय में प्रयास करूंगा। ऐसा अपने जो मेरा साफ है उसको ऐसे आदेश दूंगा, ये भी मेरा कोशिश रहेगी। लेकिन मार्केट में जो रेट है वो सही रेट हमारे किसानों को मिले, उसमें हेरा फेरी ना हो, उसमें लीकेज ना हो। किसान जो आड़ती है उनको अपनी आर्थ मिलनी चाहिए, हम उससे मैं कोई उससे फरेज नहीं करता, लेकिन किसानों को भी जो मार्केट के हिसाब से रेट है उसमें चीटिंग नहीं हो, उनको पूरा रेट मिले, ऐसा मेरा आने वाले समय प्रयास रहेगा।